नमस्कार, मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। जानते हैं, प्रत्येक वर्ष WHO के स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। वैसे भयावह बीमारियों के प्रति सजग करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम बेहद खास रखी गई है, हेल्थ फॉर ऑल। ये है आज की थीम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका उद्देश्य विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुकाबले करने से लोगों को सशक्त बनाना, साथ ही एक दूसरे का सहयोग देना। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। तो इससे पहले कि हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चिकित्सा जगत में काफी बदलाव हमें समय के साथ देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं अनूठी है हमारी चिकित्सा प्रणाली। दवाओं में वैश्विक स्तर पर हमारी भागीदारी बहुत बड़ी हो गई है। अब HIV/AIDS आया तो भारत ने ही पूरी दुनिया को इसकी दवाई बना कर दी। इसी तरह रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। इसका हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी में भी बड़ा योगदान रहा। मेडिकल सुविधाओं के मामले में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। हमारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दुनिया में सबसे अच्छे पेशेवर माने जाते हैं। हमने चरक और सुश्रुत के सिद्धांत पढ़ाए। इन्हें मेडिकल की भाषा में क्लिनिकल मेडिसिन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम मरीज के उपचार में आधुनिक जाँच पर ही निर्भर न रहकर अपने ज्ञान और विवेक से भी उपचार करते हैं। यदि बात की जाए शोध और विकास में, तो यहाँ पर भी हम पीछे नहीं हैं। बीते 75 सालों में अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं हमने विकसित की हैं। इसके अलावा बहुत सी तकनीक, हमारे वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों के विकास में दुनिया को सहयोग किया है। हमने नई पद्धति से दवाओं को बनाना शुरू किया, जिससे हम दूसरों को एक नई राह दिखा सके। इससे हमने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय को बचाया। जो दवाएं विदेश से आती थी उसके फॉर्मूले को संशोधित कर हमने स्वदेशी दवाइयां बनाई। ये बहुत बड़ा बदलाव है। COVID-19 महामारी की शुरुआत में हमारे पास न मास्क था, न PPE किट, न ही टेस्ट की सुविधा, लेकिन 2.5 साल में हमने इतना ज्यादा विकास किया कि हमारी जरूरतें भी हमने अपने ने उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराई। आज हम पूरे विश्व को टीके, PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर जैसे उपकरण निर्यात किए। टीकों के मामले में भी वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान सर्वोपरि है। दवाएं और उपकरण बनाने में भी देश ने अपना स्थान सर्वोपरि रखा है। हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ ने उद्योग जगत में इतना बड़ा योगदान दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। टीकाकरण कार्यक्रम में भी हमने 200 करोड़ के लक्ष्य को पार कर दिया और सफलता हासिल की। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम यही कहेंगे, भारत को अपनी चिकित्सा पद्धति पर गर्व है। तो फिर भारत को गर्व है अपने चिकित्सकों पर और हमारी चिकित्सा पद्धति पर। तो चलिए करते हैं आज के इस चर्चा की शुरुआत। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता शर्मा, जो कि होम्योपैथी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, जो कि MD मेडिसिन है और हमारे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, जो कि डाइटिशियन है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नीता आपसे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी में इलाज बहुत स्लो मोशन में होता है लेकिन बहुत गहराई से होता है, तो ये होम्योपैथी की तरफ हमें कब जाना चाहिए और इसके पीछे के ये जो कहा जाता है, ये जो कहावतें हैं कि होम्योपैथी में बहुत स्लो मोशन में जो है इलाज होता है, ये सिर्फ भ्रांति है या इसमें हकीकत है? सबसे पहले तो जो लोगों की धारणा है कि ये बहुत स्लो काम करती है और बहुत देर से लोग, एक्चुअली हमारे पास जो लोग आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं। सारी पैथीज को ट्राई करने के बाद ही वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारी बीमारी इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि अब आप इसका इलाज कीजिए जी। तो मैं यही आपको जानकारी देना चाहूंगी कि सबसे पहले जो धारणा है ये बहुत गलत है कि बहुत स्लो काम करती है ये, जबकि होम्योपैथिक सबसे फास्ट काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है जी, किसी को हेडेक है, किसी को टेम्परेचर है 103-104, या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, फीमेल्स में यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि वो दवा काफी लंबे समय ने 2 या 3 दिन बाद काम करेगी। उसमें क्या होता है ना, तुरंत की तुरंत दवा होती है और जो पुरानी बीमारियां होती है, क्रॉनिक डिजीजेस जिसको कहते हैं हम जी, तो उसका इलाज फिर लंबे समय तक चलता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमेटिक है, वो जी दमे की बीमारी है,
तो ऐसा नहीं कि अभी जब उसका दम दम दमे की जब अटैक्स आते हैं तो ये नहीं कि वो 2-3 दिन बाद ठीक होगा, तुरंत की 1-2-3 खुराक से वो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन उस दमे की जो बीमारी को खत्म करने के लिए फिर नॉर्मली पूरा रेगुलर कोर्सेज होते हैं उसके, जिससे वो बीमारी का पूरा काट होता है। तो ये इस तरह की पद्धति है कि लोग लेट ना आए इसमें। होम्योपैथी जो होती है वो शुरुआत की पैथी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर कोई बीमारी का यदि हमें पता चल जाता है और वो शुरुआत में ही आ जाए तो बीमारी जड़ से उसी समय हम खत्म कर देते हैं। जी, यानी आपका कहना यह है कि मरीज होम्योपैथी की तरफ रुख तब करता है जब बीमारी बहुत लंबे समय तक उसके पास रह जाती है। डॉक्टर अनिमेश, आपकी तरफ रुख करते हैं। आमतौर पर फास्ट रिलीफ माना जाता है एलोपैथी को, और आप एमडी मेडिसिन है, तो आपके हिसाब से एलोपैथी की तरफ हमें कब रुख करना चाहिए? डॉक्टर अनिमेश, डॉक्टर अनिमेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, आप डाइटिशियन हैं और आपने हर तरह की पेथी को ऑब्जर्व किया है, आपके पास हर तरह के मरीज आते हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हमें कब एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, एलोपैथ तो नोन है कि बहुत अच्छा होता है और ट्रीटमेंट के लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि हम एलोपैथ के लिए जाते हैं। जब कभी अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस तरफ रुख करना ही बहुत जरूरी हो जाता है। जी। तो एलोपैथ के लिए तो जाना ही चाहिए पहले, कि क्योंकि आप यदि क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, सभी पैथीज अपने आप में बहुत अच्छी होती है, पर एलोपैथी की जो कंडीशन होती है आपकी, यदि प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एलोपैथ में जाके तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन मेडिसिन खाकर घर पे या मेडिकल शॉप से हम मेडिसिन ले लेते हैं और अपने घरेलू ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें क्रॉनिक नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीजें क्रॉनिक हो, उसके पहले जो है हम अपने डॉक्टर से मिले, और वो चाहे हम किसी भी तरीके की पैथी यूज कर सकते हैं, परंतु वो पैथी के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। जी, डॉक्टर रीता, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी में बहुत तरह के परहेज बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसी भ्रांति में डॉक्टर तक नहीं पहुंचते कि उन्हें कॉफी छोड़नी पड़ेगी, उन्हें खट्टा छोड़ना पड़ेगा, तो क्या होम्योपैथी के इलाज में ये सारी चीजें वास्तव में छुड़वाई जाती है या कुछ खास ट्रीटमेंट में ही ऐसा किया जाता है? देखिए, फिर से ये एक भ्रांति है जी, कि इसमें बहुत सारे परहेज होते हैं, क्योंकि आजकल कोई परहेज कर नहीं पाता। तो जैसे कॉफी बहुत ही कॉमन है कि लोग कॉफी मना करते हैं जी, तो मैंने एक बार इस पर से काफी विचार किया कि कॉफी ही क्यों मना करते हैं। आपको मालूम है केरल में सबसे ज्यादा होम्योपैथी प्रचलित है, वहाँ लोग होम्योपैथी लेते, चाय कम कॉफी ज्यादा पीते हैं। तो हम इसी से ही लॉजिक लगा लीजिए कि कॉफी अगर वो सेवन कर रहे हैं तो दवा अगर उस पर काम कर रही तो जरूर करेगी। जरूरी नहीं कि कॉफी उसको दी जाए तो वो एंटीडोट हो जाए या उसके ऊपर असर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, अगर किसी को एलर्जी है किसी चीज से, जैसे ठंडे से या फिर खट्टे से, तो जिस चीज से एलर्जी, तो हम कुछ टाइम के लिए उसका रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, बाकी फिर उसके जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता है ट्रीटमेंट के दौरान, फिर हम उस चीज को भी खाने के लिए पीने के लिए हम उसके लिए हम सहमत होते हैं और उन्हें अलाउ भी करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास जो आते हैं बच्चे, आइसक्रीम्स के खाने के बहुत प्रेमी होते हैं, और पेरेंट्स जनरली कहते हैं कि उन्हें बार बार सर्दी खांसी, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारा बच्चा मौसम के अनुसार ना कुछ जूस पी पाता है या आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं, चॉकलेट्स नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम कुछ टाइम के रिस्ट्रिक्शंस रहता है, फिर हम उसको अलाउ करते हैं जी, जब जैसे से वो ठीक होने लगता है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें। जी जी, डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां ये रहती है कि पहले हम घरेलू उपचार कर लें, बहुत सारे लोग झाड़ फूक की तरफ भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नजर लगी होगी तो उन्हें लगता है कि उसी तरह से कोई उपाय कर लिए जाए, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्हें मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप अपनी कंडीशन को क्रॉनिक मत करिए, और जैसे ही आपको पता चले आपको किसी तरीके की कोई मर्ज है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इमिडिएट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप किसी भी तरीके की पैथी का यूज कर सकते हैं, एलोपैथ में, होम्योपैथ में, या किसी भी तरीके की पैथी पे आप जाइए, अपने डॉक्टर, आपको डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे, आपकी खुद के नॉलेज से या गूगल सर्च करके आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही आप एक मेडिकल शॉप से जाकर, कुछ लोग नॉर्मली ये हैबिट में होता है कि जो जाते हैं मेडिकल शॉप से कुछ मेडिसिन ले ली, और नॉर्मली आजकल लोगों को क्या, जहां कुछ प्रॉब्लम हुई इमिडिएट गूगल सर्च कर लेते हैं, और गूगल सर्च में उन्हें पता चल गई सारी चीजें कॉम्बिनेशन के साथ में दी जाती है, किस चीज के साथ में क्या चीजें सूट करेंगी, क्या चीजें नहीं सूट करेंगी, और इन सारी चीजों को ध्यान पर रखकर ही डॉक्टर
के द्वारा इलाज किया जाता है। तो हमें इस समय बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी किसी भी बीमारी को क्रॉनिक मत बनाइए। अर्ली स्टेज पे यदि आप अपनी बीमारियों को क्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसके जो आने वाले जो सिम्टम्स हैं, आने वाली प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। जी, डॉक्टर अनिमेश की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर अनिमेश, आपकी तो हर विषय पे काफी अच्छी पकड़ है और आप क्योंकि MD मेडिसिन है तो आप बहुत सारी चीजों की बारीकियां समझते भी हैं। तो जब हमें किसी इलाज की तरफ जाना होता है तो हमारे पास जो चिकित्सा जगत के इतने सारे टर्म्स हैं, हमारे पास आयुर्वेद भी है, हमारे पास एलोपैथिक भी है और होम्योपैथी भी है, तो किस व्यक्ति को, किस मरीज को किस तरफ जाना चाहिए, इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। आकांक्षा जी, एक्चुअली अब समय आ गया है कि लोग इस चीज को समझे कि हमको, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, तो लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि अब जो हम लोग पैथियों की लड़ाई में फंसे हुए हैं, इसके कोई फायदा नहीं है। कोई भी ज्ञान जो होता है, ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है कि लगातार हम ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान लगातार विकसित हो रहा है वही विज्ञान है। जी, जैसे कि हम पहले मानते थे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये अपनी सबसे सही बात भी है। फिर हमें पता लगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाता। जी, हो सकता है कि आने वाले 100 साल 200 साल में ये भी चेंज हो जाए। बिल्कुल, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ज्ञान चेंज होते जाता है। जी, तो यही चीज मेडिकल के साथ हुआ। अब हम सोचते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी। जी, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, एलोपैथी को मरे हुए जमाना हो गया। जी, अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं ये मॉडर्न मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कोई भी चीज जिसमें इलाज में फायदा हो रहा है उसके कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। जी, उसमें होम्योपैथी के कंपोनेंट भी हैं, थ्योरीज हैं, आयुर्वेद के थ्योरीज भी हैं, चाइनीज हर्बल मेडिसिन की थ्योरीज भी हैं, योगा भी है, फिजियोथेरेपी भी है, आपके जो निडल वाली थेरेपीज होती हैं वो भी हैं। जी, तो ये मॉडर्न मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में आप देखेंगे तो इवन अर्जुन की छाल या फिर जितनी भी चीजें, जो भी चीज कहीं आती है उसके बारे में ट्रायल किया जाता है, उसके फायदे या नुकसान देखे जाते हैं। जी, फिर तोला जाता है कि फायदे ज्यादा हैं कि नहीं, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। और यही पैथी हर जगह होना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि अब इस समय है कि सभी मेडिकल कॉलेज को इंटीग्रेट करके आप सब जगह मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाइए। जी बिल्कुल, बहुत तो अच्छा सुझाव हो जाएगी। जी, बहुत अच्छा सुझाव है सर। मैं आपकी तरफ फिर से रुक करूंगी। डॉक्टर नीता से भी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी तो उन्होंने भी हमें ये बात कही थी कि हम कुछ डॉक्टर्स में भी आपस में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि आपसी सलाह में भी जिस बीमारी का इलाज हमें ढूंढना होता है, अगर हमें लगता है कि उसका इलाज आयुर्वेद में है तो हम उन्हें कंसर्न करते हैं। तो डॉक्टर नीता, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जब मरीज आपके पास आते हैं, आपको लगता है होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है, तब फिर आपकी क्या नेक्स्ट जो स्टेप होता है, क्या होता है? देखिए, कुछ बीमारियों में हमें इंटीग्रेट करके काम करना होता है, क्योंकि हम भी कुछ एलोपैथिक में डिपेंडेंसी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी का केस आया, मान लीजिए मैकेनिकल कुछ इंजरी हुई है जी, तो उसमें क्या होता है, हमें दवा हमें हमारी देनी होती है, लेकिन हम उनसे भी हेल्प लेते हैं कि जैसे हमें एडमिट करना है किसी पेशेंट को, एडमिशन करवा करके फिर हम अपनी भी मेडिसिन उसमें इंट्रोड्यूस कर करके हमारा मेन उद्देश्य होता है पेशेंट का रिलीफ होना, उसकी जान बचाना। तो एक्यूट इमरजेंसीज के भी जो केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोमा के भी जो केसेस होते हैं, उसमें बहुत फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है होम्योपैथी में जी, तो पेशेंट को इंडोर करवा करके फिर हम अपनी मेडिसिन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि दोनों मिल करके जी एम है उस मरीज को बचाना जी। तो जो आज का समय है, जो लोग, मैं अपील करूंगी सारे लोगों के आपके प्लेटफॉर्म से TV24 से जी, कि जो लोग भेदभाव कर रहे हैं होम्योपैथी, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदा बाकी साइंसेज में, उस भेदभाव को छोड़ करके और पॉजिटिव थिंकिंग से उन विचारों को सामने रखते हुए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत से मेरे जैसे एलोपैथिक जो मेरे दोस्त हैं, उनसे इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि हम लोग नॉलेज लेवल पे डिस्कशंस करते हैं, जहाँ मुझे उनको हेल्प करने की जरूरत पड़ती है मैं लेती हूँ उनकी हेल्प, जहाँ उनकी पैथी में लिमिटेशंस होते हैं तो वो मुझे रिफर करते हैं। तो इस तरह का हमारा फ्रेंडली और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है यहाँ पर। चिकित्सक का एक मुख्य उद्देश्य है किसी तरह से मरीज को लाभ मिले और वो स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर अनिमेश, आपकी तरफ रुख करती हूँ और आपसे अगला सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कि मित्रों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक मित्र एक दवाई से स्वस्थ हो गया तो उसने खुद ही सलाह दे दी, भाई मैं ये खाकर स्वस्थ हो गया हूँ, अब तुम ये खाकर स्वस्थ हो सकते हो। तो ऐसे भी सलाहकार होते हैं, तो ऐसे सलाहकारों के संदर्भ में आपका क्या मत है? जी,
एक बहुत सिंपल सी बात होती है आकांक्षा जी, मेरी आंखों में दिक्कत आई, मेरे को चश्मा लगा एक पर्टिकुलर नंबर का, जी मेरे दोस्त को आंखों में दिक्कत आया कि मैं अपना चश्मा उतार के उसको नहीं दे दूंगा, बिल्कुल तो कि भाई मैं चश्मा पहना हूँ तू भी पहन, तो ये चीजें होती हैं। हर व्यक्ति का इलाज अलग अलग होता है और उसके हिसाब से ही उसको ट्रीट करना है। अगर आपको अभी सर्दी है, खांसी है, हाथ पाँव में दर्द है, बुखार है, ये कोविड भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, सिंपल वायरल भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। जी, ये हम सभी को समझना होगा। बिल्कुल ऐसे में आप सिम्टम्स के हिसाब से बस कैसे पहचान। हाँ, तो आपको डॉक्टर्स जाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे क्या भाई आपके परिवार में बाकी लोगों भी एकदम सेम सिम्टम्स हैं तो वायरल के चांस ज्यादा है, सिर्फ आपको ही ज्यादा सिम्टम्स हैं तो निमोनिया के चांस ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जी आम व्यक्ति के बस समझ नहीं पाता। जी तो जैसे लास्ट बार भी हमने बस डिस्कस किया था कि भगवान राम ने भी एक्सपर्ट की सलाह दी थी, जी तो जी बिल्कुल एक्सपर्ट की सलाह हमेशा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सपर्ट की तरफ और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सारिका, आपसे अगला सवाल ये कि आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें एकदम स्वस्थ रहना है। कोविड के बाद से तो हमने देखा है कि कुछ ज्यादा ही लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हमारी डाइट की क्या भूमिका होती है खुद को स्वस्थ रखने के लिए? डाइट तो देखिए सबके साथ पे कंपलसरी है, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस समय डाइट आपकी प्रॉपर होना बहुत जरूरी होती है। डाइट आपका हर जगह सपोर्ट करती है, चाहे आपको ये लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और हर चीजों की इंडिविजुअल डाइट होती है। जैसे आज ही सर ने बताया कि जैसे कि कॉमन चीजें हो जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि मुझे जो चीजें हैं मैंने खाई वो दवाई दूसरा भी खा ले। जी तो आज ही मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने बताया कि उनका भी एक ट्रीटमेंट चल रहा था, और प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में जो देखिए प्रेगनेंसी की सबके वेट के हिसाब से हम लोग डाइट करते हैं। जी अब वो पेशेंट ने मुझे बताया बोले कि वो कांकेर से मेरे पास पेशेंट आए थे, और उनका कहना था कि बोले हमारी किसी फ्रेंड ने हमें अपनी डाइट उठा के भेज दी। पर देखिए ये गलती हमें किसी भी फील्ड में नहीं करनी चाहिए, सबकी इंडिविजुअल चीजें होती हैं, चाहे वो डाइट हो चाहे मेडिसिन हो, सब चीजें, क्योंकि आपके वेट और हाइट के हिसाब से हमको और सारी चीजों के सिम्टम्स के हिसाब से सारी चीजें देनी होती हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपका डायट्री इंटेक बहुत जरूरी होता है, आपकी डाइट में वो सब चीजें सम्मिलित होनी चाहिए जो आपको रिकमेंडेड है आपके हाइट वेट एज के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, हमारी किस तरीके की मतलब कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, जी उनको ध्यान में रखकर जब हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं देन डेफिनेटली आप एक अच्छे हेल्थ को फॉलो कर सकते हैं। जी डॉक्टर अनिमेश की तरफ रुक करते हैं। डॉक्टर अनिमेश अध्यात्म से भी काफी जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि दादी नानी के नुस्खे ही बहुत पर्याप्त हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल की जिस तरह की जीवन शैली है उसमें दादी नानी के नुस्खे क्या वास्तव में काम आते हैं? दादी और नानी के नुस्खे तो आकांक्षा जी हमेशा काम आते ही है। जी तो ये वैसी ही बात है कि आपको अपने पड़ोस के यहाँ जाना है, आपको अपने दूसरी कॉलोनी में जाना है, दूसरे शहर में जाना है, दूसरे देश में जाना है, तो हर समय के लिए आपका कम्युनिकेशन का मोड अलग रहेगा। आप पैदल जा सकते हैं पड़ोस में, दूसरी कॉलोनी में, पर जी दूसरे शहर या दूसरे देश आप पैदल नहीं जा सकते। तो सामान्य सर्दी खांसी है आपको, सिंपल हाथ पाँव में दर्द है, या कुछ छोटी मोटी चीज है, उसके लिए दादी नानी के नुस्खे फायदे करेंगे, जी आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में भी वो फायदे करेंगे। अंतर क्या, दिक्कत कहाँ आती है, जब लोग इन नुस्खों को, ये जो होम मेडिसिन है या होम साइंस है, इसको आयुर्वेद समझ लेते हैं जी कि हम अदरक वाली चाय पियेंगे या हम ज्यादा धनिया पत्ती या हरी भाजी खाएंगे तो आयुर्वेद, वो आयुर्वेद नहीं है, जी वो एक प्रॉपर साइंस है। और ये दादी नानी के नुस्खे एक लिमिटेड अमाउंट में ही अच्छे हैं, पर जब आपको खांसी इतनी बढ़ गई कि आपकी छाती दुखने लग जाए, या आपको बुखार के साथ आ रही है, या आपको बहुत दिक्कत कर रही है, तब तो आपको जी मेडिकल सलाह ही लेना है। जी तो एक लिमिट तक ये नुस्खे बहुत फायदे करते हैं और सभी को अजमाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे भी, मतलब जी लोग भूलते जा रहे हैं, छोटी छोटी जो होम रेडमीज हैं कि कहाँ पे कौन से मसाले यूज करना है। भारत क्यों मसालों का देश था, जी पूरे भारत ही पूरी दुनिया को मसाले भेजता था, क्योंकि ये मसाले कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हेल्प करते थे। हल्दी जी खाना पचाने में हेल्प करती थी, हल्दी एंटीबायोटिक थी, काली मिर्च के अलग फायदे थे, एंटीऑक्सीडेंट था, धनिया के अलग फायदे थे। तो हमारे ये नॉलेज अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है हमसे। जी बिल्कुल, यानी कि हमें दादी नानी के नुस्खों को भी सहेज कर रखना होगा और उसके भी फायदे को समझना होगा। डॉक्टर नीता, आपकी तरफ रुक करती हूँ। ये होम्योपैथी की दवाई ना बहुत छोटी छोटी सी होती है, तो लोगों को लगता है ये छोटी सी गोली क्या बड़ा असर करेगी, इस पर आपका क्या मत है? उससे पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगी। आज जी वर्ल्ड हेल्थ डे है,
देखिए अपन डाइट अच्छा लेते हैं, जैसे मैडम ने बताया, जी अनिमेश सर ने भी बताया कि सिम्टम्स हमें कलेक्शन करना है, और बहुत सारी अच्छी जानकारी उन्होंने बताया। लेकिन उससे जी भी ऊपर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी एज अ होम्योपैथ। इमोशनल हेल्थ और जो मेंटल स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ है, जी लोगों का ध्यान उस पर बहुत है ही नहीं। हाँ लोग सिर्फ शरीर की बीमारी के लिए ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि हम होम्योपैथ हमेशा पहले मन की, मन में क्या चल रहा है, मन की क्या भी, मन क्यों बीमार है, क्योंकि बीमारी का जो ट्रैवल होता है हमेशा पहले मन पे बीमारी आती है, उसके बाद तन पे आती है। जी तो जब भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो उनका पूरा जीवन सुन के, ये बीमारी आई कहाँ से, ये सफरिंग क्यों आई है, और ये जी बीमार क्यों पड़ा इंसान, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है। जी तो कुल मिला के सबसे पहला होता है नींद, क्योंकि आप कितनी भी दवा खाएं, कितना भी अच्छा खान पान रखें, यदि आपकी नींद डिस्टर्ब है तो जो बॉडी के अंदर का जो रिपेयर सिस्टम जो चलता है ड्यूरिंग जी स्लीप, वो डिस्टर्ब रहता है, जी इन्फ्लेमेशन चलते रहते हैं अंदर, वो ठीक हो नहीं पाता। तो इंसान को अपने सबसे पहले जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, उस पर बहुत ध्यान देना होगा, जी चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें। नींद, दूसरा चीज आपकी इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, तो आप कितना भी दवा खा लें, कितना भी अच्छा खान पान कर लें, यदि वो आपके शरीर में लग ही नहीं रहा है जी तो फिर वो फायदा नहीं करने वाला। तो इमोशनल हेल्थ कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी हमें रुख करना पड़ता है, जी क्योंकि हमारे जो पहले के जो वैदिक साइंस और वो सब थे जो रहे अध्यात्म में, होम्योपैथिक साइंस भी आध्यात्मिक साइंस से ही जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने मन को, विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर सकते, और आप आज की डेट में देखते जा रहे हैं कि लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटीज छोटी छोटी उम्र में जाते जा रहे हैं, जी तो इसकी कुछ खास पर्टिकुलर मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथी में इस तरह के मानसिक अवस्था से निकालने के लिए। जी तो और ये एक, सिर्फ होम्योपैथी में नहीं है, हमने देखा है बहुत सारे डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी के हों, आयुर्वेदिक हाँ हों, वो पूरा डिटेल लेते हैं, वो डिटेल पूछते हैं लेते हैं, आपके खानदान में किसको साइकोलॉजी, किसको प्रॉब्लम साइकोलॉजी है। पार्ट हाँ बिल्कुल जो होता बिल्कुल। है अच्छा वो होता बड़ा अजीब लगता है ना जब डॉक्टर जाके पूछते हैं बीमारी क्या है, तो वही तो बताने गए हैं है। वही तो जानना चाहते हैं। तो ये उसके पीछे का कारण होता है कि आप बीमारी को जड़ से ढूंढना चाहते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, इसलिए इतनी डिटेल्स लेते हैं। और मैडम जैसा कि मेरा सवाल था कि ये जो होम्योपैथी की दवाई होती है ना, बड़ी छोटी छोटी सी होती है, ये छोटी दवाइयाँ कितना असर करती हैं? देखिए होम्योपैथी जो है नैनो साइंस के अंदर आता है, नैनो मेडिसिन्स है, इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो जाकर के आपकी बॉडी को, माइंड को, सारी चीज तीनों लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल, तीनों जी लेवल पे जाकर के वो काम करती है। इसलिए होम्योपैथी को हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, होलिस्टिक मेडिसिन्स बोलते हैं, जी तभी वो हर लेवल पे जाके काम करती है। और मरीज जो है खाली शारीरिक लेवल पे भी नहीं, मानसिक लेवल पे भी ठीक होते जाता है, जी तीनों लेवल मतलब पे उसका सुधार गोलियों होता की, है। हाँ गोलियों की साइज से डरना नहीं है, बल्कि नहीं गोलियों नहीं की साइज बिल्कुल का फर्क नहीं, नहीं पड़ता। एक्चुअली गोली जो होती है ना वो व्हीकल है, उसके अंदर जो एसेंस होता है ना, जो जी जैसे बोलते हैं ना दही का जो मक्खन, तो मक्खन जो मेन पार्ट है ना वो है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो उसमें जो डाइल्यूशन डाली जाती है, जी टिंक्चर्स जो होते हैं, मदर टिंक्चर्स बोलते हैं, ये एक्चुअल में मेडिसिन होती है। जी और बिल्कुल वो गोलियां जो होती है वो सिर्फ एक माध्यम होता है। हमसे पेशेंट पूछते हैं ना ये होम्योपैथी की गोली सब एक जैसी दिखती है जी चाहे बिल्कुल वो कोई भी हो, जबकि वो हर व्यक्ति की अलग दवा होती है, लेकिन जी वो एक केवल माध्यम होती है, जी और मेन मेडिसिन उसके अंदर के जो डाइल्यूशंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, वही काम करती है दवा। जी डॉक्टर सारिका आपकी तरफ रुक करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग ना अब डाइट के साथ साथ ध्यान की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग योग का भी सहारा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो सारे थेरेपीज हैं, ये वास्तव में इंसान को स्वस्थ बनाने के लिए काफी है, और खासतौर पर योगा के विषय में आपका क्या मत है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जरूरी है ये सारी चीजों को हमें अडॉप्ट करना, बिकॉज देखिए जैसे आपको बॉडी एक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, जी तो डेफिनेटली आप अपने फिजियोथेरापिस्ट को मिलेंगे। हमारे मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जी जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, और इस तरीके के कई सारे आसन हैं जो हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमारी हीलिंग में। ये जी इस बारे में प्राचीन काल से ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये सारे ट्रीटमेंट जो है हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं। तो योग को आपको कोशिश करनी है कि अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, आप जितना एक्टिव रहते हैं उसमें बहुत होम्योपैथ लें, आप चाहे होम्योपैथ ट्रीटमेंट लें या फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, उसके साथ साथ में इन सारी चीजों को भी अपनी चीजों में इंक्लूड करें ताकि आपकी हेल्थ जो है ज्यादा अच्छे से
असर कर सके और आपका ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर हो सके। जी बिल्कुल। आप चलते चलते हम चाहेंगे डॉक्टर अनिमेश, आपका क्या संदेश है विश्व स्वास्थ्य दिवस पर? लोगों को भ्रांतियों से बचना चाहिए, लोगों को झूठे दावों से भी बचना चाहिए। यही समझ लेते हैं, हर बार ऐसा होता नहीं है, तो कभी आराम से पढ़िए, लोग चीजों को जानकारी एकत्रित कीजिए, आपके पास जो जानकारी आई है कंफर्म कीजिए वो सही है कि नहीं, और उसके बाद ही अपने स्वास्थ्य को किसी के भी हवाले कीजिए। सभी पैथी अच्छी है, सभी पैथी साइंस है, और यह बस ध्यान रखना है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे होम्योपैथ, आयुर्वेद या एलोपैथ, वो एटलीस्ट किसी जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो डिग्रीधारी है, आप उनसे लीजिए। कोई भी होम्योपैथ, आयुर्वेद या एलोपैथ के नाम पे आपको दवाई दे तो आप उनसे मत लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए क्या वो देने के लिए है कि नहीं। जी जी बिल्कुल, उसकी योग्यता का परख करना भी हमें आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आज अपने विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो भी बातें हमारे डॉक्टर्स ने आपसे साझा की है उसे अपने जीवन में पालन कीजिए। किसी भी दिखावे में मत जाइए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के हवाले अपना स्वास्थ्य मत कीजिए जिसके पास कोई डिग्री नहीं, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, और झाड़ फूक से दूर रहिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।